राम राम किसान भाइयों, आज हम दवाई का स्प्रे मारने वाले हैं। 5 बजे का समय हो रहा है, लगभग लगभग दिन ढलने की स्थिति पे। हमने 200 लीटर के ड्रम में सारी हमने दवाई घोल रखी है। ये पंप रेडी है, भैया रेडी है, वो दवाई स्टार्ट होगी। अब की लाइट थी तो हमने इसमें पानी भर रखा और दवाई घोल रखी है 200 लीटर के ड्रम में, और ये दवाई डायरेक्ट इसमें जा रही है हमारे खेत में। तीनों ड्रम भर रखे हैं ताकि पानी किसी प्रकार लाना ना पड़े। वो पंप भी खाली हो गया है हमारा, फटाफट चलो सुरेन। और तरबूज भी अच्छे बनने लग गए हैं। अब मैं दवाई की बात आपको दवाई बताने जा रहा हूँ, इसके बाद अपने दवाई के काम करें। जैसा किसान भाइयों, हमारे खेत में स्प्रे हो रहा है और आज हम स्प्रे इसमें जो कर रहे हैं वो आज हम कर रहे हैं इसमें ये हिमामेक्टिन का। तो क्या कि तो हिमामेक्टिन का कर रहे हैं क्योंकि इसमें आ रही है इल्लियाँ। आई तो नहीं है लेकिन आ सकती है, इसलिए इससे पहले हम इसमें हिमामेक्टिन का उपयोग कर रहे हैं। अडामा के हमने इसमें अडामा कंपनी की हमने इसमें हिमामेक्टिन ली हुई है और इसमें हम स्प्रे मार रहे हैं। और इसमें हमने लिया है कॉम्बी 2, कॉम्पो कंपनी का कॉम्बी 2 लिया है हमने। 1 किलो लेके आए हैं हम और हमारे सभी खेतों में अभी स्प्रे इसमें और उसमें भी सबके खेत में स्प्रे होगा। और इसमें हमने लिया है 40-40 पॉलिस, जो वाइट फ्लाई और रस चूसक कीटों के लिए हमने अभी इसमें लिया हुआ है स्प्रे के तौर पर, ताकि इसमें थ्रिप्स और वाइट फ्लाई और रस चूसक कीट बहुत सारे हैं तो उसके कंट्रोल के लिए हमने तीनों चारों चीज़ ली हुई है। और इसके अलावा इसमें हमने लिया हुआ है चिपको, इसमें हमने लिया हुआ चिपको क्योंकि हल्का सा बारिश वाला मौसम हो रहा था और उसके हिसाब से फिर भी हमने इसमें चिपको ले लिया है। और इसके अलावा इसमें हमने लिया है इसमें केल्प, जो कॉम्पो कंपनी का केल्प आता है, यहाँ हमने अभी केल्प लिया हुआ है। तो ये सारी दवाइयाँ हमने उपयोग की है हमारे खेत में। आप कौन सी दवाई उपयोग करते हैं कमेंट कर ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी पता चले कि आप कौन कौन सी दवाई उपयोग करते हो, क्या क्या करते हो। आप अगर हमसे भी अच्छा करते हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो बनाएं, ताकि किसानों को आपकी बात पता चले, हमें भी चले। अगर कोई अच्छा किसान देख रहा हो हमारा चैनल तो हमें भी कुछ सीख दो। वैसे तो हम मास्टर है, बाकी और भी आप दे सकते हो, कमेंट कर सकते हो। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करें शेयर करें, धन्यवाद। क्या मौसम लग रहा है रात का, जो समय भी ठंडा मौसम है, मतलब दिन डूबने वाला दिन है, तो इतना अच्छा लग रहा है खेत में, आनंद आ रहा है। सुरेन कैसा लग रहा है खेत में? बहुत ही शानदार लग रहा है, हमारा प्लॉट देखिए आप। चलो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें शेयर करें, धन्यवाद।